जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। ब्राउन शुगर के साथ आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला से 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की आरोपी महिला से अब पूछताछ जारी है। तो आरोपी महिला के पास से ब्राउन शुगर उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई कर बरामद किया है। 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यही वो महिला है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अब महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है, ये ब्राउन शुगर इस महिला के पास कैसे आई, क्या ये महिला अवैध रूप से तस्करी करती है। अब इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। खेरवाड़ा पुलिस की ये कार्रवाई है। अवैध मादक पदार्थ पर एक्शन उदयपुर में हुआ है लगातार। आपको बता दें, आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश में करोड़ों का अवैध नशा, करोड़ों का कैश, करोड़ों की अवैध शराब पुलिस लगातार बरामद कर रही है। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो इसके लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। और देखिए, उदयपुर में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई है। और उदयपुर के ब्यूरो चीफ धीरज रावल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, इस महिला के पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद की है, ये महिला कौन है, इसके पास ये सामान कहां से आया, इसके लिंक कहां, किससे हैं, क्या है इन सवालों के जवाब? बिल्कुल, उदयपुर जिले के खेरवा थाना क्षेत्र के अंदर आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर एक महिला को जो है 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में थानाधिकारी जो है वो दिलीप सिंह ने जो है वो गिरफ्तार किया है। अगर बात की जाए तो अगर महिला द्वारा इस तरह की तस्करी का मामला जो है वो सामने आया है। अगर बात की जाए तो जो है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो उसको अंजाम यहाँ पर वो दिया गया है, जहाँ पर 4 लाख रुपए के करीब जो है ब्राउन शुगर की जो कीमत है उस वो जो बरामद की गई है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए धीरज। तो लाखों का अवैध नशा जो लगातार बरामद हो रहा है, पुलिस धरपकड़ कर रही है, नशा तस्करों को भी पकड़ा जा रहा है और नशे को भी पकड़ा जा रहा है।